नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस प्रश्न में कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है। परिवर्तन किस में हो रहा है? वृत्त की त्रिज्या में। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित होगा। तो हमें यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और आपको त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, राइट? किसी एक चीज में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से दूसरी चीज में भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है किसी दर से और उसकी वजह से वृत्त के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे यहाँ पे आर का मान बदलेगा वैसे वैसे यहाँ पे क्षेत्रफल का मान बदलेगा, है ना? तो आप कहेंगे क्षेत्रफल को अगर आप s से दिखा रहे हैं तो s बराबर पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमें किसके परिवर्तन की दर दे रखी है? त्रिज्या के परिवर्तन की दर दे रखी है ना। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बदल रही है। तो यहाँ पे त्रिज्या की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको dr by dt का मान दिया है, आर में परिवर्तन टी के सापेक्ष कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। और आपको निकालना क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वृत्त का क्षेत्रफल आप दिखा रहे हैं एस से, तो इसका मतलब आपको डीएस बाय डीटी का मान निकालना है। क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है आपको वो जानना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमें t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो इस वाले समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? ये होगा ds by dt बराबर पाई है कांस्टेंट और r स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2r dr by dt, यही आएगा। और आप यहाँ पे dr by dt का मान जानते हैं कितना है? 3 है। तो इसको लिख सकते हैं ds by dt बराबर 2πr और dr by dt का मान आएगा 3। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? 6πr के बराबर हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो जिस समय त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है उस समय वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितनी है हमसे ऐसा पूछा गया है। तो आपको निकालना है ds by dt का मान जब r का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो ds by dt का मान हमारे पास कितना था? 6πr। और यहाँ पे आप r का मान रख देंगे 10, तो यहाँ से आपको ds by dt का मान कितना मिल जाएगा? 60π, राइट? ये क्या आया? ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आई है। तो इसकी इकाई आप क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल के लिए आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष। समय के लिए आएगा सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या मिला? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जब वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है? इस प्रश्न को देखिए, ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत मजा आने वाला है आपको इसको करने में। इसमें क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y स्क्वायर और एक्स वाई बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k² बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे ये कहा है कि हमारे पास कोई भी दो वक्र रहे होंगे, वो एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं जब
8k स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर इनकी प्रवणता क्या रही, क्योंकि यदि कोई दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, इसका मतलब उस बिंदु पर उन दोनों वक्रों की प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस 1 के बराबर होता है। यही तो प्रॉपर्टी होती है ना समकोण पर काटने की। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो जानना है कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु है कौन सा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उन दोनों की प्रवणताएं निकालेंगे उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर। और यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि समकोण पर काट रहे हैं, तो हम उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर रख देंगे और फिर देखते हैं कि 8k स्क्वायर बराबर 1 आता है या नहीं। ठीक है, तो पहला वक्र हमें दिया है x बराबर y स्क्वायर और दूसरा वक्र दिया है एक्स वाई बराबर के। क्या हम यहाँ से x या y का किसी भी एक का मान यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको करना यह है कि दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालकर हमें दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा, है ना। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए पहले हम ऐसा करते हैं, x का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो जब आप x का मान y स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो ये होगा y स्क्वायर इंटू y बराबर k। तो y स्क्वायर इंटू y कितना हो जाएगा? y क्यूब बराबर k। तो यहां से y का मान क्या आएगा? k की घात 1/3। ये तो आपके पास y का मान आया। अब इस y के मान की मदद से आपको यहाँ पे x का मान निकालना है। अगर y का ये मान हम यहाँ पे रख दें तो x का मान क्या आएगा? x बराबर y की जगह हम रख रहे हैं k की घात 1/3 और इस पूरे का वर्ग है तो इसका वर्ग करेंगे। यहां से हमें x का मान मिला k की घात 2/3। तो अब हमें मिल चुके हैं इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु। अब हम इन बिंदुओं पर दिए गए वक्रों की प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता क्या होती है? बिल्कुल ठीक, प्रवणता को आप dy by dx से दिखाते हैं। dy by dx बराबर m होता है ना। तो अब हमें इन दोनों का अवकलन करना पड़ेगा, जिसमें हम पहले करेंगे x बराबर y स्क्वायर का अवकलन। तो यहाँ पे इसका अवकलन करके क्या मिलेगा बताइए मुझे? जब आप x बराबर y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2y इंटू dy by dx, राइट। यहां से dy by dx का मान क्या मिलेगा? dy by dx बराबर 1/2y। और ये जो dy by dx है इसका मान y बराबर k की घात 1/3 पर क्या होगा? यहाँ पे आप y की जगह पर रख देंगे k की घात 1/3। तो ये dy by dx का मान आया उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहां पे हमें इन दोनों की प्रवणताएं चाहिए थी। तो पहले वक्र की प्रवणता इस बिंदु इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर कितनी आई है? 1/2 k की घात 1/3। अब हम xy बराबर k का अवकलन करेंगे और फिर प्रवणता पता करेंगे उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर इस वक्र की। ठीक है, इसका अवकलन कैसे करेंगे आप? x dy by dx प्लस y और x का अवकलन हो जाएगा 1 बराबर k कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। तो यहां से आपको dy by dx का मान क्या मिलेगा? -y by x। तो ये तो है dy by dx का मान। अब हमें dy by dx का मान चाहिए जब x बराबर k की घात 2/3 थी और y बराबर k की घात 1/3 थी। तो इसके लिए dy by dx का मान क्या आएगा? माइनस y की जगह आप रखेंगे k की घात 1/3 अपॉन x की जगह रखेंगे k की घात 2/3। और आप जानते हैं कि भाग में जो घातें होती है वो माइनस हो जाती है, तो ये आएगा माइनस k की घात -1/3। कह सकते हैं ऐसा? तो ये आपको प्रवणता मिली है दूसरे वक्र की उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर। अब प्रश्न में दिया है कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं तो दोनों की जो प्रवणताएं हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, इस प्रवणता को m1 का नाम दे सकते हैं और इस प्रवणता को m2 का नाम दे सकते हैं।
तो दोनों की जो प्रवणताएं हैं उनका गुणनफल कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और उसकी मदद से हमें सिद्ध करना है कि 8 के स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो यहां हम अब m1 और m2 का गुणनफल करेंगे, तो ये आएगा m1 का मान है 1 बटा 2 k की घात 1 बटा 3, इसको हम लिख सकते हैं k की घात माइनस 1 बटा 3 गुणा ये है माइनस 1 k की घात माइनस 1 बटा 3, ये बराबर है माइनस 1 के। ठीक, तो यहां पे माइनस तो कैंसिल हो गया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, k की घातों को आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये k की घात माइनस 2 बटा 3 अपॉन 2 बराबर 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, k की घात माइनस 2 बटा 3 बराबर 2। अब दोनों ओर हम यहां पे घन कर देंगे, तो दोनों पक्षों का घन करने पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा k की घात माइनस 2 बराबर 8, राइट। ये संबंध तो हमें मिल गया, लेकिन हमें जो संबंध देना है वो इस रूप में देना है, तो इस रूप में बनाने के लिए जो k की घात है वो हमें धनात्मक बनानी पड़ेगी। k की घात धनात्मक बनाने के लिए हमें इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो इसका व्युत्क्रम करने पर क्या मिलेगा, ये होगा k की घात 2 बराबर 1 बटा 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 k स्क्वायर बराबर 1। यही तो सिद्ध करना था, है ना, हो गया सिद्ध कि जब ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काट रहे थे तो ये संबंध यहाँ पे सत्यापित करना था। तो आपने इन दोनों वक्रों की प्रवणताएं निकाली, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल माइनस 1 के बराबर रखा, क्योंकि समकोण के लिए प्रतिबंध संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे हमने दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस 1 के बराबर रखा और उसको हल करके आपको ये संबंध मिल गया। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे कहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y आपको ज्ञात करनी है कि x और y का योग तो 16 के बराबर आना चाहिए और इनके घन का योग निम्नतम आना चाहिए, मतलब कम से कम आना चाहिए, ऐसी आपको दो संख्याएं बतानी है। इस प्रकार का प्रश्न जैसे ही आएगा आप देखोगे कि यहाँ पे एक शब्द आ रहा है निम्नतम। निम्नतम शब्द आते ही आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि ये किसका प्रश्न है, ये अवकलज के अनुप्रयोगों में उच्चतम और निम्नतम मान का प्रश्न है। उच्चतम और निम्नतम में एक काम तो हमें करना ही होता है कि वहां पे एक फलन का दो बार अवकलन करना होता है, राइट। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम फलन कौन सा लेंगे, कौन से फलन का अवकलन करेंगे, एक फलन ये है और एक फलन ये है, यहाँ हम अवकलन किसका करेंगे। आप उसका अवकलन करोगे जिसका निम्नतम मान आपको चाहिए, यहाँ पे किसका निम्नतम मान चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो आप इसका अवकलन करेंगे, राइट। तो शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले तो दो धन संख्याएं लेनी पड़ेंगी, तो आप कहेंगे माना पहली संख्या x है, अगर पहली संख्या x है तो आप जानते हैं कि दोनों का योग कितना है 16, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताइए, 16 माइनस x हो जाएगी। एक तरीके से क्या किया है, दो संख्याएं x और y थी, पहली x हो गई दूसरी y हो गई, y का मान क्या आया यहाँ से 16 माइनस x, तो वही लिखा हमने यहाँ पे x के पदों में कर दिया इन्हें। ठीक, तो अब ये जो मान है ये हम इस फलन में रख देंगे, इस फलन को हम s बोल देते हैं, तो यहाँ पे s बराबर क्या था हमारे पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इससे आपको क्या मिला, s बराबर x क्यूब प्लस y का मान कितना था 16 माइनस x, तो ये हो गया 16 माइनस x का होल क्यूब। तो अब ये वो फलन आया है हमारे पास जिसका आपको अवकलन करना है दो बार, क्योंकि उच्चतम और निम्नतम में आपको दो बार अवकलन करके ये देखना पड़ता है कि किस बिंदु पर इसका मान उच्चतम है और किस बिंदु पर निम्नतम है। तो दो बार अवकलन करके आपको बिंदु भी मिलता है, मान भी मिलते हैं, और ये भी पता चलता है कि उन मानों पर वो उच्चतम है फलन या फिर निम्नतम है। तो हम यहाँ पे एक बार अवकलन करते हैं, पहला अवकलन करेंगे तो ये आएगा डी एस बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे क्योंकि एक्स का अवकलन, क्योंकि ये x का फलन है, तो ds by dx का मान आएगा आपके पास 3x square plus इसका अवकलन क्या होगा 3 16 minus x whole square, और 16 minus x के लिए आ जाएगा माइनस का 1,
तो इसको थोड़ा सा हल करके आप लिख सकते हैं, 3x² - 3 16 - x² राइट। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करना होगा, ds बाय dx को जीरो के बराबर रखना होगा। तो जब हम ds बाय dx को जीरो के बराबर रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस फलन को जीरो के बराबर रखेंगे, 3x² - 3 16 - x² बराबर जीरो। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से आपको x के मान मिलेंगे। हल करिए, यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² - इधर a माइनस बी होल स्क्वायर को आप प्रसार करोगे तो a² मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस b² मतलब कि x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस 2ab मतलब कि 32x बराबर 0 राइट। अब इसको आप हल करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको x का मान क्या मिलेगा, माइनस का 256 ही हो जाएगा प्लस का 256 अपॉन 32, इनको कैंसिल करके 8 मिलेगा। मतलब x का मान क्या आया आपके पास, 8 आया, x 8 आया, तो यहाँ से आपको y भी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि y क्या था 16 - x। मतलब अगर पहली संख्या 8 है तो इसका मतलब दूसरी संख्या भी क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन तो यही दी है ना कि दोनों का योग 16 होना चाहिए। अब ये तो पता चल गए हमें कि ये वाले बिंदु आए हैं, अब हमें ये जांच करनी है कि क्या इन बिंदुओं पर इसका मान निम्नतम होगा। तो ये जांच कैसे करेंगे, ये जांच हम पुनः अवकलन करके करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा से अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमें, ds बाय dx हमारे पास ये था, अब हम यहाँ पे d2s/dx² निकालेंगे, है ना, मतलब d बाय dx ऑफ ये वाला फलन 3x² - 3 16 - x² इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 6x माइनस ये 3 ऐसा कैसा रहेगा, 16 - x² का जब आप अवकलन करेंगे तो ये होगा 2 16 - x, और 16 - x का दोबारा करने पर -1, तो ये होगा 6x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 6 × 16 = 96 प्लस माइनस माइनस 6x, ये किसका मान है, d2s/dx² का। तो यहाँ पे प्लस 6x और माइनस 6x कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा हमारे पास, 96, और ये 96 आपको कैसा है मिल रहा है, पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पे हमें d2s/dx² का मान कैसा मिला है, धनात्मक मिला है, और जब इसका मान धनात्मक होता है तो इसका मतलब ये फलन कैसा होगा, निम्नतम होगा दिए गए बिंदुओं पर। हमने किन बिंदुओं पर चेक किया, 8 8 पर ना, तो आप क्या कहेंगे, अतः x बराबर 8 के लिए s निम्नतम है। तो सारी कंडीशन हमारी संतुष्ट हो गई, ये फलन निम्नतम भी हो गया जैसा कि हमें चाहिए था, x और y के मान भी मिल गए राइट। तो x और y के ये मान वो मान है जिस पर इसका मान निम्नतम आएगा और x और y का योग 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक स्थिर झील है, उसमें एक पत्थर डाला तो उसमें तरंगे वृत्तों के रूप में 4 cm/s की गति से चलती है। आप जानते हैं कि अगर कोई स्थिर झील, मतलब ऐसी झील जिसका पानी रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो वहां पे जैसे ही आपने पत्थर डाला तो वो पानी क्या होता है, वृत्त बनते जाते हैं, उसमें देखा है आपने कभी, गोल गोल वृत्त बनते हैं और वो अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब वृत्तों की संख्या बढ़ती जाती है। तो जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 cm है तो उस क्षण घिरा क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, यहाँ पे बताना है। तो आपने देखा होगा कि जब वो वृत्त बनते जाते हैं तो पहले वो जहाँ पे पत्थर डाला वहां बनेगा, फिर उससे बाहर फिर बनेगा, फिर बनेगा, तो यहाँ पे जो वृत्तों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। तो इन्होंने कहा है कि जो जिस प्रकार ये वृत्तों की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे उस वृत्त की बात की गई है जिसकी त्रिज्या 10 cm की है, तो वहां पे घिरा क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। तो इस प्रश्न में आप समझ रहे हैं कि एक तो बात की जा रही है वृत्त की, दूसरी
यहाँ पे क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, मतलब कि क्षेत्रफल में जो बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, वो निकालना है। और किसके क्षेत्रफल में? वृत्त के क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो तरंगे हैं वृत्तों की, वो समय के अनुसार बदल रही है, उसकी गति समय के साथ चल रही है। तो हमें यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल का जो अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करेंगे? समय के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष, है ना। यहाँ पे तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है ना, तो ये जो तरंगे हैं इसकी गति दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब वृत्त की तरंगे चलने का क्या मतलब है? वृत्त की तरंगे चलने का मतलब पहले वृत्त ये था, फिर ये हुआ, तो किसमें बदलाव आया? त्रिज्या में ना। त्रिज्या पहले इतनी रही होगी, फिर इतनी हो गई, तो मतलब dr/dt दे रखा है उन्होंने 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकेंड जो त्रिज्या में परिवर्तन आ रहा है वो 4 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो एक मान और मिला हमें यहां से त्रिज्या के परिवर्तन का, मतलब dr/dt बराबर 4। ठीक है, अब निकालना क्या है? क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो आपको यहाँ पे dA/dt का मान निकालना है, कब? जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन से पहले आपको सारी जानकारी ले लेनी है, क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा होता है। आप देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या पता चला कि एक तो वृत्त की बात हो रही है, वृत्त में जो परिवर्तन हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रहा है। तो सेंटीमीटर, देखो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता तो आपके माइंड में ये आता कि यहाँ पे क्षेत्रफल का परिवर्तन दिया है, लेकिन सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे त्रिज्या का परिवर्तन दिया है, क्योंकि वृत्त में तो दो ही चीज होगी ना, या तो त्रिज्या या क्षेत्रफल, है ना। तो सेंटीमीटर से आपको पता चला कि त्रिज्या का परिवर्तन दिया है, और निकालना क्या है? क्षेत्रफल में परिवर्तन, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो घट रहा है वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रफल में, तो dA/dt निकालना है। और dt क्यों निकालना है? क्योंकि जो भी यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं समय के सापेक्ष हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें प्रश्न से मिल गई। अब सिर्फ कैलकुलेशन का काम रह गया। कैलकुलेशन में क्या करना है आपको? इसका अवकलन करना है, dA/dt निकालना है। dA/dt क्या आएगा? पाई तो कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का अवकलन होगा 2r dr/dt, और dr/dt का मान कितना है? 4 है, तो ये हो जाएगा पाई 2r into 4। इसको आप लिख सकते हैं 8πr। ये किसका मान है? dA/dt का मान है, और आपको dA/dt का मान चाहिए r बराबर 10 पर। तो dA/dt r बराबर 10 पर क्या होगा? बस यहाँ पे r की जगह पर आप 10 रख देंगे, तो 8π into 10, तो कितना हो जाएगा? 80π। तो ये 80π क्या आया? इसके क्षेत्रफल के बढ़ने की दर। तो क्षेत्रफल के लिए आप यहाँ पे क्या इकाई लगाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर। हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस? मुझे लगता है अब तो आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे इन सारे प्रश्नों को हल करने में। इस प्रश्न में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स रूट 2 होता है। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि एक शंकु दिया है और उसका जो आयतन है वो कैसा है? महत्तम है, मतलब अधिकतम है, उच्चतम है उसका जो आयतन है, ठीक है। और उसका आपको अर्धशीर्ष कोण निकालना है और वो टेन इनवर्स रूट 2 के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक शंकु लेंगे, इस शंकु की ऊंचाई हम मानेंगे h इसकी ऊंचाई है, इसकी त्रिज्या है r, और तिर्यक ऊंचाई l, और अर्धशीर्ष कोण की बात की गई है तो हम इस कोण की बात करेंगे जो कि हमने थीटा ले लिया। शीर्ष कोण ये हो गया ना, तो अर्धशीर्ष मतलब आधा शीर्ष, तो आधे शीर्ष का कोण हमने यहाँ पे थीटा ले लिया। अब जल्दी से इस प्रश्न को शुरू करते हैं। ये बताइए, बात चल रही है यहाँ पे महत्तम आयतन की, तो शंकु का आयतन क्या होता है बताइए? शंकु का आयतन आप v से दिखाएंगे, आयतन को v से दिखाते हैं। v बराबर 1/3 πr²h, यही होता है शंकु का आयतन। अब यहाँ पे हमें r और h का मान चाहिए।
आर और एच से हमारा कोई संबंध नहीं है क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं कोण की, तो इसका मतलब ये आर और एच का मान हमें थीटा के पदों में निकालना होगा। तो आर का मान क्या दे सकते हैं आप यहाँ पे, अगर हम इसको नाम दें ए बी और सी का, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आर क्या होगा, लंब होगा, एच आधार होगा और एल कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता है, तो आर अपॉन एल कह सकते हैं। तो उससे हमें आर का मान क्या मिलेगा, एल साइन थीटा, और ऐसे ही एच का मान क्या मिलेगा, एल कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी मतलब हाइट, एच अपॉन एल आ जाएगा तो एच का मान आएगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे आर और एच के मान थीटा के पदों में मिल गए, वो मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे ये मान रख के वी का मान क्या आएगा, 1/3 पाई आर का स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच मतलब एल कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा और हल करते हैं, ये होगा 1/3 पाई एल स्क्वायर और एल का गुणा करके एल क्यूब आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अभी तो सिर्फ वी का मान आया है, अब क्या करना है, अब आपको कहा गया है कि ये जो आयतन है ये महत्तम है, तो महत्तम आयतन मतलब आपको यहाँ पे इसका अवकलन करना पड़ेगा दो बार, और किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका अवकलन करके बताइए, डीवी बाय डी थीटा क्या आएगा, 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो ऐसा कैसा आएगा, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन होगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा, ऐसा कैसा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन होगा 2 sin θ कॉस थीटा, ऐसा ही होगा। इसको थोड़ा और हल करके लिख सकते हैं हम, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, प्लस ये होगा 2 sin θ कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से अभी तक हमारे पास डीवी बाय डी थीटा का तो मान आ गया, अब हमें क्या करना है, इसका दोबारा अवकलन करना है और डी टू वी बाय डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे। तो बताइए डी टू वी बाय डी थीटा स्क्वायर क्या आएगा, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा का अवकलन आएगा -3 sin² θ कॉस थीटा, प्लस 2 इसका अवकलन करके आपको मिलेगा साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन होगा 2 cos θ sin θ। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा आएगा, साइन थीटा का अवकलन होगा कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया इसका अवकलन। इसको थोड़ा सा और हल करके लिख सकते हैं, 1/3 पाई एल क्यू माइनस 3 sin² θ कॉस थीटा, प्लस 2 को इस 2 से गुना करके आएगा 4 sin × sin² और कॉस, प्लस 2 को इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 cos² और कॉस हो जाएगा cos³θ, राइट। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन थीटा, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का 4 sin² θ कॉस थीटा बनेगा, क्योंकि कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। अब -3 sin² θ कॉस थीटा और -4 sin² θ कॉस थीटा, इसको जब आप हल करेंगे तो आपको डी टू वी बाय डी थीटा स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, ये होगा 1/3 पाई एल क्यू -3 -4, ये होगा माइनस का 7 sin² θ कॉस थीटा, और ये प्लस 2 cos³θ, राइट। ये आपको डी टू वी बाय डी थीटा स्क्वायर का मान मिल गया। प्रश्न में कहा है कि जो आयतन है वो उच्चतम है, महत्तम है, तो महत्तम आयतन के लिए आप डीवी बाय डी थीटा को 0 के बराबर रखेंगे, और डीवी बाय डी थीटा का मान क्या है, ये है।
तो ये वाला जो मान है डीवी बाय डी थीटा का 1/3 पाई L³ माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 sin थीटा cos² थीटा, इसको आप रखेंगे 0 के बराबर और इसको हल करके यहाँ पे आपको थीटा का मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। यहां से आपको मिलेगा 2 sin थीटा cos² थीटा बराबर sin³थीटा। एक साइन से एक साइन जब यहाँ कैंसिल होगा तो इधर बचेगा 2 cos² थीटा sin² थीटा। अब आपको चाहिए थीटा का मान, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 बराबर sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो इसको आप 10² थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए अब हम अपने उत्तर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। यहां से आपको 10² थीटा मिला है 2 के बराबर, तो क्या आप 10 थीटा को √2 के बराबर कहेंगे, और जब 10 थीटा √2 के बराबर है तो इससे आपको थीटा का मान क्या मिलेगा, 10 inverse √2। यही तो चाहिए था हमें, राइट। तो थीटा तो हमें 10 inverse √2 मिल गया। अब बस आपको इतना सिद्ध करना है कि थीटा का जो ये मान है ये महत्तम आयतन के लिए है। महत्तम आयतन के लिए कब होगा, आप यहाँ पे d²v/dθ² का मान ऋणात्मक सिद्ध कर देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इसके लिए जो आयतन था वो कैसा था, महत्तम था। थीटा बराबर 10 inverse √2 के लिए आप निकालेंगे d²v/dθ² का मान, d²v/dθ² हो जाएगा 1/3 πL³ माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए साइन और कॉस के मान चाहिए, तो 10 के मान की मदद से हम साइन और कॉस के मान निकाल सकते हैं। जल्दी से निकाल के बताइए, ये तो सबको आता ही होगा। यहाँ पे 10 थीटा का मान है √2, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा इसकी मदद से, √2/3, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा, √1/3 या 1/√3 ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये मान तो सबको निकालने आते हैं। साइन थीटा का ये मान हम यहाँ रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा √2/3 का स्क्वायर, मतलब कि 2/3। कॉस थीटा हो जाएगा 1/√3 प्लस 2 × cos³θ। कॉस थीटा है 1/3 √1/3, तो cos³θ हो जाएगा 1/3√3, राइट। तो यहां से d²v/dθ² का मान कैसा आएगा, इसको थोड़ा और हल करते हैं। ये होगा 1/3 πL³, ये होगा −14/3√3, और ये होगा 2/3√3। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा −12/3√3। 1/3 πL³ −12/3√3। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि पूरा का पूरा मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, राइट। और ये मान ऋणात्मक है, इसका मतलब थीटा बराबर 10 inverse √2 के लिए शंकु का आयतन कैसा होगा, महत्तम होगा, है ना। ऋणात्मक में महत्तम होता है और धनात्मक में न्यूनतम होता है। तो हो गया प्रूफ।